असलम एंड वी गट टू बी टॉक अबाउट इन्वेस्टिगेशन एंड रिव्यूज़ और उसके बारे में क्या बात करेंगे कि उनको कैसे लिखा जाता है दिस होल कोर्स इज अबाउट क्रिएटिव राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग हैज़ मैनी मनी एलिमेंट्स वी टॉक्ट अबाउट एंटरटेनमेंट वी टॉक्ट अबाउट इन्फॉर्मेशन वी टॉकड अबाउट न्यूज़ नाउ वी विल टॉक अबाउट इन्वेस्टिगेशन एंड रिव्यूज़ अब इन्वेस्टिगेशन ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं जो आज शुरू हुई हो बहुत अरसे से हम चीज़ें इन्वेस्टिगेट करते आ रहे हैं ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन जो है वो हम इसको लिंक करते हैं पुलिस वर्क के साथ या डिटेक्टिव वर्क के साथ या इस, इस रिसर्च वर्क के साथ मगर ये न्यूज़ में भी इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और ख़ास तौर पर जब आप मास मीडिया के लिए लिख रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्टिगेटिव पीसेस भी लिखते हैं ये पीसेस जो हैं वो टीवी में भी इस्तेमाल होते हैं रेडियो में भी इस्तेमाल होते हैं और अखबार में भी इस्तेमाल होते हैं अखबार में ये यूजली ओपेड्स में या फीचर आर्टिकल जो ज़रा से लंबे होते हैं उसमें आता है और इसको काफ़ी वक्त लगता है उनको लिखने में और स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है तो बहुत ज़्यादा हम इस तरह के आर्टिकल्स नहीं देखते रिव्यूज़ हम जरा ज़्यादा देखते हैं आप वो ज़रा कम स्पेस लेते हैं रिव्यूज़ इज़ अस्लि टाइम इंटेंसिव थोड़ा सा लेस डीप डाइव होता है रिव्यू जो होता है वो सिर्फ़ आप एक एनालिसिस uh, करते हैं उसमें थोड़ी सी आपकी एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिविटी होती है यानी कि आप कोशिश ये होती है कि उसमें आप जितनी ज़्यादा रिसर्च कर सकें हर जाविये के जो फैक्ट्स हैं वो निकाल सकें और आप वो प्रेजेंट करते हैं मगर एक एनालिसिस भी होता है जिसमें थोड़ी बहुत सब्जेक्टिविटी आ जाती है तो अगर हम इसका एक्सप्लनेशन uh, देखें या मतलब देखें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म

तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की यहाँ पर काफ़ी डिमांड है और आपने देखा होगा कि आपके न्यूज़ चैनल्स पे रेडियो पे अखबार में मैगज़ीन्स में जो सारे आपके मैथ मीडिया के जो टूल्स हैं और व्हीकल्स हैं उसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की काफ़ी स्पेस होती है तो यानी किफ़ यू लुकिंग एट बिकमिंग एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और अ राइटर और अ रिपोर्ट राइटर दर अ लॉट ऑफ़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आउट दैफ यू अगर फ्रीलांस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑनलाइन जाके आपके पास पूरी दुनिया मौजूद है आप ग्लोबल टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च uh, कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज है इकॉनमी uh, है बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स हैं जो कि ग्लोबल टॉपिक्स होते हैं वो आप इधर बैठ के उन पर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं रिव्यूज़ लिख सकते हैं अपने ओपिनियंस दे सकते हैं दूसरों के ओपिनियंस ले कर आगे वो भी प्रेजेंट कर सकते हैं बट बेसिकली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बहुत ज़रूरी है कि आप डीप डाइव करें यानी कि बेतहाशा रिसर्च हर एंगल हर पॉइंट ऑफ व्यू हर स्टांस हर पोजिशन हर चीज़ को आपने इन्वेस्टिगेट करना है ये तय करना है कि क्या ये हुआ नहीं हुआ आ, कब हुआ आपको कौन कौन बता रहा है कि ये हुआ कहां-कहां से आपको पता चल रहा है कि ये आ, जो आप रहे करें वो वाकई हुआ कि नहीं हुआ या जो भी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है या जो किसी ने कोई बात की है कि जिस भी चीज़ को आप इन्वेस्टिगेट करें उसके हर एक एंगल हर एक तय को आप उसको अनफोल्ड करें उसके लेयर्स निकालें और उसमें उसको इन्वेस्टिगेट करें कि ये हुआ कि नहीं हुआ और वो फिर पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपने प्रजेंट करनी है रिव्यू में थोड़ा सा कम है इससे जैसे कि बात हुई मगर रिव्यू में भी ये प्रोसेस चलता है प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन का होता है मगर हम थोड़ा सा उसको ससक्ट कर देते हैं छोटा कर देते हैं ज़रा सिंपलर फॉर्म है मगर हम रिव्यू जो है बहुत कॉन्शियसली देते हैं रिस्पॉन्सिबली देते हैं कि हम जो भी कह रहे हैं उसके पीछे हमारी एक रिसर्च है उसके पीछे हमारा एक स्टांस है कि हाँ जी वी आर कॉन्फिडेंट दैट वॉट वी आर टेलिंग यू इज़ द ट्रूथ सो जब एक एनालिस्ट या कोई तजद जो न्यूज़ एंकर होता है वो बैठा होता है और वो आपसे एक बात करता है एक रिपोर्ट पेश करता है बहुत से हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं जो कि इस तरह की आ, रिपोर्टिंग स्टाइल करते हैं मशहूर जो है कैपिटल टॉक भी है दुनिया न्यूज़ पे और लोग हैं एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट में स्पेंड मंथ्स और इयर्स रिसर्चिंग एंड प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम थिंग इंस्टेंट चीज़ नहीं है इसमें काफ़ी टाइम लगता है तो साइकिल क्या है हमारा इन्वेस्टिगेटिव साइकिल जो है वो बेसिकली यही कि हमने पहले तो ये तय करना है कि हमारा टॉपिक क्या होगा उसके बाद हम उसके आगे पीछे जितनी रिसर्च है चाहे वो सर्वेज हैं ऑनलाइन जिसको हम लिटरेरी रिव्यू कहते हैं जो आ, जो लिटरेचर मौजूद है उसका एक रिव्यू है बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हमने इंटरव्यूज़ करने हैं फोकस ग्रूप्स करने हैं पता करना है क्या हुआ है जहाँ पे वाक़ हुआ या जहाँ पे वो लोकेशन है वहाँ जाके देखना है क्या है एविडेंस क्या है चीज़ें क्या थी क्या नहीं थी ऑल ऑफ दीज थिंग्स दिस होल साइकिल दैट इज प्रजेंटेड दैर इज़ गिवन एंड देन वी डू अ फॉलो अप यानी कि कुछ अर्से बाद हम दोबारा जाते हैं और देखते हैं क्या एविडेंस वही है उसी तरह चीज़ें मौजूद हैं और ये हमारा इन्वेस्टिगेटिव साइकिल जो है इस तरह पूरा होता है तो डू वी हैव टू डू टिप्स क्या है इसके हुक द रीडर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हुक द रीडर क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है तो थोड़ी सी बोरिंग है क्योंकि लंबी है तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपका रीडर जो है वो शुरू में ही इंटरेस्ट ले रहे और उसका इंटरेस्ट आप जाने ना दें फिर यू हैव टू कीप द टाइटल शॉर्ट छोटे रखो इतने लंबे लंबे ना करो कि लोग टाइटल ही पढ़ के कहें यार क्या पढ़ना आगे कौन बढ़े सो इट हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग शॉर्ट एंड कीप्स द रीडर्स इंटरेस्ट गोइंग गेट यूर फैक्ट्स राइट बहुत ज़रूरी है आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो टाइम स्पेंड कर रहे हो सो यू हैव टू मेक श्योर दैट जो आपके पास फैक्ट्स हैं वो सही हैं दे आर ट्रू फैक्ट्स एज वी नो दैट फैक्ट्स कैन बी माई फैक्ट्स एंड योर फैक्ट द सिक्सटीन एंड नाइन्टी वन रूल मैं अपनी तरफ से देख रही हूँ मुझे सोलह नज़र आ रहा है किसी और को वही चीज़ इक्यानवे के तौर पर नजर आ रही है मगर हमने ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो देने हैं गेट द टोन राइट अब सब्जेक्टिविटी नहीं हो सकती सस्पेंस नहीं हो सकता बट दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी चलती हैं तो जब हम टोन जो है उसका बिल्कुल सही होना चाहिए आपकी रिपोर्टिंग के हिसाब से होना चाहिए एज वी हैव सेट बिफोर इज़ वेल पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि नेगेटिव न्यूज़ भी पॉजिटिव तरीके से डोंट गेट पर्सनल देर इज़ नो रीज़न टू गेट पर्सनल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में चूँकि थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी होती है तो उसमें ये डर होता है ये खौफ होता है कि शायद हम पर्सनल हो जाएं, हम जहाँ जो कुछ नहीं हमें कहना चाहिए ऑब्जेक्टिवली ना कहें बड़े इमोशनली जज्बाती तौर पे हम एक स्टेटमेंट मारते दें वो बहुत उससे हमें परहेज़ करना है उसको उससे हमें दूर रहना है और हमें पर्सनल नहीं होना